सुकरात का जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन सुकरात जिस लेवल पे पहुंच गया था इल्म हासिल करने में और इल्म बांटने में, वो बड़े कम जो है ना तारीख में फिलोसोफर जो है ना उनके हिस्से में आया है। सुकरात ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के काफ़ी देर बाद तक दूसरी शादी नहीं की, तो फिर जो उसके जो फॉलोअर्स है उन्हें था कि इसमें भी कोई हिकमत है, फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी बाहर जाके शादी मैंने करनी है, मैं ऐसी जो है ना खातून की तलाश में हूँ जो इंतहाई बदतमीज़ हो, बदहू हो और लड़ाकी हो, गुसीली हो और बद तहजीब हो। बड़ी उम्र के ना एक फर्द है ना, वो उनके पास आता है, बंदा एक आता है, वो कहते हैं बात है कि मेरी एक बेटी है उसकी 35 साल की उम्र है और उसमें ये सारी खराबियां हैं जो आप कह रहे हैं। माशाल्लाह से सुकरात ने रिपीटेडली उससे कंफर्म किया क्या वाकई कहते अगर ना हो आप छोड़ देना। जब शादी हो गई ना तो अंदर से गालियों की आवाजें, बर्तनों की टूटने की, फेंकने की आवाजें। उसने कहा जी बात यह है कि इसमें मेरी फिलोसफी ये थी कि बाई रीचिंग एट दिस एज मेरे अंदर ये घुमंड और गुरूर पैदा हो गया था अपने बारे में ना, एक ओवर एस्टिमेशन का लेवल मैं वहां पर आ गया था। आई स्टार्टेड फीलिंग के आई नो एवरीथिंग और अब मुझे मजीद सीखने की जरूरत ही कोई नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबाब नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम सुकरात पे बात करने जा रहे हैं, यकीनन आपके पास बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात होती हैं। हमें ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि सुकरात ने जो इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने का जो प्रोसेस था उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी, वो हमें आज जाननी है। जी थैंक यू रुबाब, बात यह है कि सुकरात का जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, तारीख के जो इलम का रखने वाले हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये मैं जो हमारे आम नाज़रीन जिनको तारीख का या तो मुताला का ज़्यादा मौका नहीं मिला या ज़्यादा इलम नहीं रखते, उसमें जो मैं थोड़े सा ना एक दिलचस्प जो उनके ज़िंदगी के दो तीन पहलू हैं ना वो मैं बताना चाहूँगा आपको और नाज़रीन को कि देखें सुकरात जिस लेवल पर पहुँच गया था जो है ना इलम हासिल करने में और इलम बाँटने में, वो बड़े कम जो है ना तारीख में फिलोसोफर जो है ना उनके हिस्से में आया है। अच्छा ये चीज़ें ना जो होती है ना, ये जो लेवल होता है इंसान जो हासिल करता है ना, उसके पीछे बड़ी तगोदो होती है, लगन होती है, यकसुई होती है, कंसिस्टेंसी होती है और प्यास होती है, जो है ना मुसलसल प्यास होती है इलम हासिल करने की और आखिरी दम तक इलम हासिल करते रहने की। तो सुकरात के ज़िंदगी में ना एक दिलचस्प उसका एक बाब है वो मैं बताता हूँ। सुकरात ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के काफ़ी देर बाद तक दूसरी शादी नहीं की, कोई 10-15 साल गुजर गए ना उसके, तो फिर जो उसके जो फॉलोअर्स है उन्हें था कि इसमें भी कोई हिकमत है, फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया भी क्या आपको पहली शादी का तजर्बा अच्छा नहीं हुआ या आप फिलोसफिकली इस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करूँगा शादी। तो जब वो कोई 20 साल हो गए ना, फिर जो उनके जो फॉलोअर्स है उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा नहीं जी कोई बताएं इसमें आपकी कोई फिलोसफी को मंतक है। उन्होंने कहा जी बाहर जाके शादी मैंने करनी है, मैं ऐसी जो है ना खातून की तलाश में हूँ जो इंतहाई बदतमीज़ हो, बदहू हो और लड़ाकी हो, गुसीली हो और बद तहजीब हो। उनके जो शागिर्द थे ना, जब उन्होंने सुकरात ने बताया ना कि मैंने इस तरह की औरत से शादी करनी, तो उन्होंने कहा ऐसे हमें टाल रहे हैं, उन्होंने करनी ही नहीं है शादी। तो मतलब ये कैसे हो सकता है, इट वाज अनइमेजिनेबल फॉर एंड अनडाइजेस्टेबल फॉर कैसे कोई डिज़ायर करे इस तरह का। अच्छा हुआ क्या, वक्त गुजरता गया जब फिर सुकरात की एज हो गई ना कोई 50-55 के करीब, तो फिर क्या होता है कि एक ना कोई बड़ी उम्र के ना एक जो फर्द है ना वो उनके पास आता है, बंदा एक है। वो कहता है जी मैंने सुना है कि आपने अपनी जो दूसरी शादी के लिए जो क्राइटेरियन जो बुनियाद रखी है ना बेसिस ऑफ सिलेक्शन चूजिंग योर वाइफ, वो यही है। कहना हाँ बिल्कुल सही है। वो कहते हैं बात है कि मेरी एक बेटी है उसकी 35 साल की उम्र है और उसमें ये सारी जो है ना खराबियां हैं जो आप कह रहे हैं माशाल्लाह से। तो उन्होंने फिर सुकरात ने रिपीटेडली उससे कन्फर्म किया क्या वाकई ये मैं जो बातें कह रहा हूँ उसमें है आपकी बेटी में। कहता पक्का पक्की बात है, कहता अगर ना हो आप छोड़ देना। शादी हो गई थी उनकी, जब शादी हो गई ना
तो थोड़े दौड़ एक दो दिन के बाद उसका एक मजलिस लगती थी, महफल लगती थी, वहाँ वो ख़िताब करते होते थे, उनके जो स्टूडेंट होते उसके इरशादात जो होते थे, जो उसके ख़िताब वो नोट करते जाते, वो उसी तरीके के नॉर्मल जब एक मीटिंग गैदरिंग शुरू हुई ना उस पर, वो लोग अभी आके बैठे हैं तो अंदर से गालियों की आवाज़ें, बर्तनों की टूटने की, फेंकने की आवाज़ें और इस तरह की आवाज़ें, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, तुम्हें कोई तहजीब नहीं है, तुम्हें तो ये नहीं पता गिलास कैसे पकड़ना, तुम्हें ये नहीं पता प्लेट कैसे पकड़नी है। खैर वो थोड़ी देर शोर बोल के बाहर ना, जब वो सुकरात को पता चल जाता है कि बाहर फॉलोअर्स आ गए हैं, वो आता है और नॉर्मल अपने कपड़े कपड़े सेट शर्ट करके आके बैठ जाता है जहाँ ख़िताब करना होता है। तो वो अब जो उसे होते हैं ना, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो बड़े हैरान होते हैं, कहते सुकरात को कहते हैं भी पहले तो हमें ये यकीन नहीं आ रहा था कि आपने इस जो क्वालिटीज़ वाली, प्रॉपर्टीज़ वाली, खसूसियात वाली खातून से शादी करनी, आपने वाकई ऐसी खातून से शादी कर ली, अब हमने ये भी देख लिया कि वो वाकई बदतमीज़ भी बड़ी है, वो कितना कुछ कर रही है, तो अब हमें तो कुछ अभी तक वी आर कन्फ्यूज कि आपका इसमें आपकी हिकमत क्या थी, आपका फ़लोसफ़ी इसमें क्या थी। उसने कहा देखें बात यह है कि उसने अब फलसफा जो था ना, रियल फ़लोसफी ऑफ हिज लाइफ, और एंड आई थिंक he wanted to advise other people also. उसमें ये नहीं कि लड़ाकी बीवी लाना एडवाइस ये नहीं थी उसका एक्सट्रैक्ट हुआ था। उसने कहा जी बात यह है कि इसमें मेरी फिलोसफी ये थी कि बाई रीचिंग एट दिस एज मेरे अंदर ये घुमंड और गुरूर पैदा हो गया था, ये एक अपने बारे में ना एक ओवर एस्टिमेशन का लेवल मैं वहाँ पर आ गया था, तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई नो एवरीथिंग और अब मुझे मजीद सीखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, मैं आप में बैठ दूँ, आप में से किसी का भी इल्म मेरे बराबर नहीं है, तो मुझे ये वो ज़ोम हो गया कि मैं तो दुनिया का अकलमंद तरीन आदमी हूँ। अब जब ये खातून आई है कहता है इसने तो मुझे ग्राउंड जीरो से भी नीचे करा दिया ला के, कहती तुम्हें तो ग्लास पकड़ कर रखने का तरीका नहीं आता, तुम्हें प्लेट पकड़नी नहीं आती, तुम्हें चलना नहीं आता, कहता है इसने मुझे रियलाइज कर दिया एक्सट्रैक्ट, उसने ये बताया कि देखें जब मैं दोबारा इल्म हासिल करने के ज़ीरो लेवल पर आ गया तो मेरे अंदर इल्म हासिल करने का जो तजस्सुस था ना, जो तड़प थी, जो प्यास थी, वो ऐसे ही होगी जैसे आज से 40 साल पहले थी। तो आई अगेन स्टार्टेड लर्निंग, जो है ना मैंने रीडिंग लर्निंग, वो मैंने नए सिरे से अब मेरे अंदर जज्बा पैदा हो गया कि मुझे इसने ये बावर करा दिया और इसने मुझे यकीन दिला दिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मैं समझता मुझे सारा कुछ आता, कहना दिस वॉज दी फिलोसफी बिहाइंड माई दिस कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया ना एक थोड़ा एक लाइट मोड में, बाकी दूसरा एक उसका जो पहलू है ना बहुत ज़बरदस्त है, वो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो सुकरात के ज़माने के और उसके बाद वाले जो आए ना, जो क्रिश्चियन जो थे उलमा, और उनमें मैं कहता हूँ क्रिश्चियन और मुस्लिम जो स्कॉलर दोनों का, उसमें मैं कहता हूँ उनके लिए ना ये ज़रूरी था कि वो ना उसके बाकी तालीमात को ज़रूर लेते, वो ये था जो हाकम वक्त था उसने उसको उसकी जो डेथ हुई थी दैट वाज वेरी ट्रेजिक डेथ, वो उन्होंने कहा जी इसको वो उसने जब फाइनली ये कहना शुरू कर दिया था कि वो देवी देवताएं जिनको हम पूछते हैं दे डोंट एग्जिस्ट, यानी यहाँ उसका यहाँ तक तो हिस्ट्री में जो मेरा भी इलम है, उसके आगे किसी को पता हो तो मुझे बताएं, मैं आई विल ऐड माई नॉलेज। तो उसने ये कहना शुरू कर दिया था बरसरेआम के जिन देवी देवताओं को हम पूछते हैं दे डोंट एग्जिस्ट, और ये क्योंकि उस वक्त के जो हुक्मरान होते थे ना मोस्ट ऑफ देम दे यूज टू क्लेम नऊज़ बिल्लाह बीइंग गॉड, वो अपने को खुदा ही मनवाते थे लोगों का, हम हुक्मरान हम सारा कुछ आपके सियार सवेद के मालिक हैं। तो लेकिन उस माहौल में सुकरात ने अपनी पूरे ज़िंदगी के इलम और तजर्बे की बुनियाद पर जब यह क्लेम कर दिया ना कि वो जो देवी देवताएँ हैं दे डोंट एग्जिस्ट जिनको हम मानते हैं, तो इस जुर्म की सज़ा में फिर उनको सज़ाए मौत दे दी गई थी, और सज़ाए मौत लेते वक्त भी मैं आपको उसके ना इल्म की जो है ना मुख्तलिफ इकसाम के उसके अलूम का मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा वाक़ ये भी है कि उसको सज़ाए मौत दी गई थी कि भी जहर उसको क्या भी एक जहर का प्याला वो तुमने पीना है, वो जेल में डाल दिया, वो उसका डेथ सेल में डाल दिया, तो उसने जो वहाँ का चौकीदार था ना उसके सेल का जिसने उसकी वो डेथ प्रोसेस का निगरान जो था उसने उसको ये कह दिया था कि मैं जहर जब पी लूँगा ना तो तुमने मुझे पकड़ना नहीं है, यू लेट मी वॉकिंग इन दी सेल। अब उसमें उसका ये था ही न्यू कि जब मैं जहर पीने के बाद चलता रहूँगा ना तो जो ब्लड है ना वो मेरी ब्लड जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें तेज़ी से घूमेगा, ठीक है, मेरे चलने से मेरी हार्ट बीट बढ़ेगी, मेरी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। वो जितनी ब्लड सर्कुलेशन मेरी बढ़ेगी उतनी जल्दी से वो जो है ना जहर जो है ना वो हमारे खून में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, ब्रेन में पहुँच जाएगा, तो माई डेथ विल बी लेस पेनफुल। ही न्यू
मेडिकल नॉलेज इवन टू डेट एक्सटेंड, मतलब बड़ा वो आलम आदमी था। तो बात यहाँ ये मैं ख़त्म करूँगा अपनी इस गुफ्तगू आकर, देखें उसके तो जो बातें होगी सो होगी, ये तो एक छोटा सा उसका पहलू था ना उसकी ज़िंदगी का। लेकिन हमारे एंड पे मैं ये समझता हूँ कि उसमें क्रिश्चियन जो उसके बाद आने वाले स्कॉलर वो भी, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन भी अल्लाह को एक मानते हैं जैसे हम मानते हैं, और मुसलमान भी हम भी जैसे अल्लाह को एक मानते हैं, लेकिन इन दोनों जो बाद में आने वाले जो थे ना, जो मजाहब थे, और उसके बाद उसके अलावा भी जो जितने तौहीद पर ईमान रखने वाले मजाहब आए ना उसके बाद, उनमें से ये एक चीज़ जो लैकिंग मुझे फ़ील होती है कि भी किसी ने उसकी जो तालीमात थी उसको लिंक नहीं किया, कि जब उसने ये कह दिया था कि भी वो देवी देवताएं वजूद ही नहीं रखते, तो फिर आगे भी तो उसका कुछ होगा ना, हो सकता है इनडायरेक्टली उसने वहदानियत पर, हो सकता है कि शायद वो वहदानियत पर ही यकीन रखता हो, लेकिन वहाँ मेरे इल्म के मुताबिक वहाँ जो हिस्ट्री है ना इन रिलेशन टू सुकरात वो खामोश है। और अभी भी देखें हिस्ट्री के जो है ना तारीख के जो औराक पलट के उनमें तहकीक करने में वो अभी भी मतलब की जा सकती है, अगर कोई तकलीफ करें, कोई मेहनत करें, तो हो सकता है कि उसका जो फाइनल फाइंडिंग या उसका जो बिलीफ हो वो वहदानियत पर ही हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि सुकरात के हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात बताई हैं, कुछ ऐसे हकायक भी बताए हैं, बल्कि इसके साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि एक कामयाब मर्द के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक औरत का ही हाथ होता है। और अगर आप मज़ीद इस किस्म की दिलचस्प मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।